आगरा कैंट के बीओसी मैदान में 7वीं पैरा ट्रूपर बटालियन की तरफ से उन हथियारों की नुमाइश की गई, जिसके जरिए भारतीय सेना अपनी सरहदों की सुरक्षा करती है, बल्कि दुश्मन देश के अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को अंजाम देती है। बता दें कि आगरा में थल सेना ने शुक्रवार सुबह अपने अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन कर सभी को तालियां बजाने के लिए विवश कर दिया। लोग दांतों तले अंगुली दबाकर इस प्रदर्शन को देखते रहे। Just got the hang of it. बहुत अच्छा लगा, बहुत ग्रैंड था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। And I'm thankful to them for safeguarding us. ये हथियार वगैरह पहली बार देखा होगा आपने? हाँ जी। तो किस तरह की फीलिंग्स सेना को लेकर के अपने मन में आई? Definitely pride हमेशा रहता है, but वो और बढ़ गया आज वो सब देखकर, बहुत खुशी हुई देखकर। इस अवसर पर थल सेना ने अपने विभिन्न हथियारों का भी प्रदर्शन किया। 15 अगस्त 2022 को देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उससे पहले केंद्र सरकार की पहल पर अमृत महोत्सव शुरू हो गया है। इस महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे, इन्हीं में से एक 75 स्काई डाइवर्स द्वारा आसमान से छलांग लगाना भी शामिल है। बता दें कि शुक्रवार की सुबह ये कार्यक्रम पैरा ब्रिगेड स्थित पीओसी मैदान में शुरू हो गया। वायुसेना के विमान में एक के बाद एक थल सेना के 75 जवानों ने करीब 9000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। इनके हाथ में तिरंगा था और उसे थामे ये मैदान में उतरे। इसके अलावा कई और भी हैरत अंगेज करतब प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, फर्स्ट टाइम मेरी एक्सपीरियंस है एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सब देख के, क्योंकि अभी देखा नहीं है। इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, सो इट्स वेरी थ्रिलिंग फॉर मी। सेना के बारे में इस तरह का देख के भी तो सुना होगा, तो देख के कैसा लगा? बहुत प्राउड फील होता है कि हम जब सोचते हैं कि हम इंडिया के हैं, इतने हमारे जो सेना लोग होते हैं वो हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम खुशी से रह पाए। सो इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। बच्चों को हम ये बताना चाहते हैं कि पैरा ट्रूपर्स जो हैं, जिन्होंने आज ये शो हमें दिखाया है यहाँ पे, ये जंग के मैदान में किस तरीके से वहाँ पे जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं वो आज ने यहाँ पे देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत सारे वेपन्स यहाँ पे हैं एंड पैरा ट्रूपर्स का जंप देखा होगा आपने। सो ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है, इट्स नॉट ए ईजी थिंग। सो आई एम श्योर यहाँ पे जो बच्चे आज आए हैं स्पेशली आर्मी स्कूल से और केंद्रीय विद्यालय से, तो उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा एंड मैं इनसे आशा भी रखती हूँ ये चीज़ कि ये आगे जाके शायद आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई पैरा ट्रूपर बनेगा। वहीं दूसरी तरफ थल सेना ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई है। इसमें सबसे पहले उन हथियारों को दिखाया गया जिसके जरिए भारतीय सेना की शौर्य को सर्वोच्च पहाड़ियों को फतह करने के लिए मददगार के रूप में देखा जाता है। चाहे 50 मीटर रोप हो, 30 मीटर की रोप हो, बॉडी जैकेट हो या घुटने और कोहनी की सुरक्षा के लिए गार्ड। इसके अलावा कैमोफोर्स को भी दिखाया गया जिसके जरिए एक सैनिक पहाड़ चढ़ते समय खुद को आसपास के वातावरण में इस तरीके से छुपा लेता है कि दुश्मन देश को उसका पता ही नहीं चल पाता। खींचने के लिए मशीनों का इस्तेमाल कैसे होता है, हथियारों और इंडिकेटर का प्रयोग भी, जिसके जरिए अलग अलग पॉइंट और पहाड़ियों की सूचना रखी जा सकती है। वहीं इसके साथ ही AK-47 से लेकर उसके आधुनिक रूप 84mm शोल्डर माउंट रॉकेट लॉन्चर, देश की पहली जंग यानी कि 1948 से लेकर आज तक इस्तेमाल होने वाले 51mm की मोटर शानदार AK-47 राइफल भी दिखाई गई। आज यहाँ आगरा में बीओसी ग्राउंड में आज़ादी के 75 सालों के उपलक्ष्य में जो समारोह चल रहे हैं देश भर में, वैसा ही एक समारोह यहाँ आयोजित किया गया था शत्रुजीत ब्रिगेड और सेंट्रल कमांड द्वारा। यहाँ पर करीब 75 पैरा ट्रूपर्स ने कॉम्बैट फ्री फॉल किया और साथ ही में यहाँ पर एक इक्विपमेंट डिस्प्ले का भी आयोजन किया गया और शत्रुजीत ब्रिगेड की रैपिड रिस्पॉन्स केपेबिलिटी का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। साथ ही में आपने देखा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट भी। 75 पैराट्रूपर्स द्वारा अपनी तरह का एक कॉम्बैट फ्री फॉल आयोजित करने के लिए आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया, जिसके चलते भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाते हुए दुश्मनों को ये पैगाम दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। के न्यूज इंडिया के लिए आगरा से अजेंद्र चौहान की रिपोर्ट।